नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज सुबह के सभी ताजा खबरों की। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, जेजेई नीट परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग हुई तेज। जानिए भगोड़े मेहुल चौकसी ने क्यों खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। सुरक्षा उपकरण के लिए दान की खबरों को सेना ने किया खारिज, रेलवे ने अपने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। दिल्ली में कोरोना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दी अहम जानकारी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तेज की तैयारियां। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई लगातार कर रही है जांच, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली भर्ती। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है जिसे काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि क्या ऐसे विकल्प निकाले जा सकते हैं जिससे घाटे की भरपाई की जा सके। आज राजस्थान कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें राज्य की बेहतरी के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को होनी थी पर इसे गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सोनिया गांधी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वे नीट और जेजेई की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने जा रही एक डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल नेटफ्लिक्स पर बैड बॉय बिलियनेयर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है जो मेहुल चौकसी के भांजे और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी समेत भारत के कई बिजनेस टाइक्यून द्वारा की गई धोखाधड़ियों पर आधारित है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया जिसमें सशस्त्र बलों को दान देने के लिए एक फंड का दावा किया जा रहा है। सेना ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी रिपोर्ट गलत है जिनमें सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड के लिए दान की मांग की जा रही है। फेसबुक ने कहा कि फेसबुक न्यूज के जरिए वो जल्द ही देश के समाचार प्रकाशकों को भुगतान करेगा ताकि उनकी सामग्री उनके नए उत्पाद पर उपलब्ध रहे। गौरतलब है कि फेसबुक न्यूज को पिछले साल अमेरिका में लॉन्च किया गया था और अगले 6 से 12 महीने में इसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, भारत और ब्राजील में भी शुरू किया जाएगा। केंटारो ने भारत में केंट कैम अटेंडेंस डिवाइस लॉन्च की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेक्स्ट जेन टचलेस अटेंडेंस सिस्टम है और ये पूरी तरह से चेहरे की पहचान पर आधारित है। आपको बता दें कि इसकी कीमत 25,000 रुपए है और इसके साथ ही क्लाउड प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का सालाना चार्ज यूजर को देना होगा। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ई पास सुविधा शुरू कर दी है जिसके तहत अब कर्मचारियों को यात्रा करने के लिए ई पास लेने ऑफिस नहीं जाना होगा बल्कि कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई करके रेलवे कर्मचारी ई पास हासिल कर सकते हैं। श्रीलंका ने भारत के साथ अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ करने पर जोर दिया है। श्रीलंका के विदेश सचिव जगन्नाथ कोलनबेज ने कहा कि श्रीलंका एक तटस्थ विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मामले में इंडिया फर्स्ट दृष्टिकोण को बनाए रखेगा। दिल्ली में फिर से बढ़ रहे कोरोना मामले के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की रिकवरी रेट 90% से भी ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार हर रोज दिल्ली में 40,000 टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। राज्य के जीएसटी भुगतान और जेजेई नीट परीक्षा 2020 पर चर्चा के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना के इस दौर में जेजेई और नीट परीक्षा 2020 के आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति जताई है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का निलंबन वापस ले लिया है जहां पिछले साल बिहार में यूपीए के उम्मीदवार के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस फैसले को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी कोरोना हो गया है, जहां इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता ने खुद ट्वीट कर दी है। साथ ही गोगोई ने कहा कि उनके संपर्क में आए लोग तुरंत कोरोना टेस्ट करवा लें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर जेजेई नीट 2020 परीक्षा को कोरोना के मद्देनजर टालने के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि नीट और जेजेई की प्रवेश परीक्षाओं में बैठक वाले छात्र कोरोना के मामले के चलते स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार को छात्रों के हितों और उनकी चिंताओं पर ध्यान देते हुए इस मसले का समुचित समाधान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट अकाउंटेंट ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्ती निकली है, जहां इसके तहत कुल 33 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 9 सितंबर 2020 से इन पदों के लिए आवेदन शुरू होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई तेज गति से जांच कर रही है, जहां सीबीआई की टीम ने छठे दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से फिर पूछताछ की है। उबर ने बुधवार को भारत में ऑटो किराया सेवा की शुरुआत की है, जो मांग के आधार पर 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध हो। इस बारे में कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस सेवा के जरिए यात्री ऑटो और उसके ड्राइवर को कई घंटे के लिए बुक कर सकते हैं तथा यात्रा के दौरान उन्हें कई जगह रुकने की छूट होगी। पेटीएम अगले कुछ महीनों में विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से अधिक लोगों को काम पर रख सकती है। दरअसल पेटीएम देश भर में वित्तीय और धन प्रबंधन सेवाओं जैसे क्षेत्रों सहित अपने परिचालन का विस्तार करना चाहती है, और ये भर्ती संबंधी प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी पेटीएम ने बुधवार को दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ बनी रहती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 टीके का मानव पर दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण पुणे के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस टीके का विनिर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। देश भर में नीट और जेजेई परीक्षाओं को लेकर चल रहे मामले के बीच कर्नाटक सरकार ने कॉलेजों को खोलने की घोषणा कर दी है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण सीएन ने ऐलान किया है कि राज्य में आगामी 1 अक्टूबर से सभी कॉलेज दोबारा से शुरू होंगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जिन नेताओं ने पत्र के जरिए सुझाव दिए हैं उनसे वो भी सहमत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा पार्टी का नेतृत्व तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मानसून और कोरोना की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं आलू भी अब महंगा होने लगा है, और आलू के बढ़ते दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। जहां देश के कई शहरों में आलू अब 40 रुपए किलो के पार पहुंच गया है, वहीं व्यापारियों की माने तो जब तक बाजार में नया आलू नहीं आता तब तक कीमतें कम नहीं होंगी। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने पर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक लगाम लगी थी, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना मामले को लेकर दुनिया पर उंगली उठाने लगे। उन्होंने कहा कि जब राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश के लवकुश नगर छतरपुर से हमारे संवाददाता हेमंत कुमार श्रीवास बता रहे हैं कि लवकुश रेस्ट हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया एवं मंडल अध्यक्ष खलक सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना गया और जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया के द्वारा सभी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि संभल जनपद के आगरा मुरादाबाद हाईवे पर वन विभाग के द्वारा बनाई गई टी गार्ड की ईंटों को विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली से संभल की तरफ ले जाते हुए कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। अब इस पूरे मामले पर वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग में तैनात वन दरोगा सहित 3 विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महामंडलायुक्त चित्रकूट धाम बांदा जिले के नोडल अधिकारी गौरव दयाल ने जिला मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त ने नवनिर्मित जिला महिला अस्पताल में पूर्व निर्देशों के क्रम में एक्सीएन विद्युत को विद्युत कनेक्शन न किए जाने पर फटकार लगाई और जल्द से जल्द कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के पूरनपुर पीलीभीत से हमारे संवाददाता सरफराज खान बता रहे हैं कि पीलीभीत में यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते किसानों को काफी परेशानी हो रही है और यूरिया के लिए किसानों को दुकानों के बाहर या अन्य जगहों पर लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इस बीच किसानों की समस्या को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला महासचिव ईश्वर दयाल की अगुवाई में तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसान समिति को यूरिया खाद मुहैया किए जाने और खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष 31 मार्च 2021 तक बैंकों से लिए गए सभी प्रकार के कर्जों की ईएमआई जमा करवाने की छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और सभी लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ही डाउन हो गई है, इसलिए उन्हें इस समय कर्जों से राहत देने की बहुत आवश्यकता है। तो ये थी आज सुबह की सभी ताजा खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।